दोस्तों ये है टोया। मुझे नहीं खिलाओगे? अरे पोया नहीं, टोया। ये फिश फूड है। मतलब? तुम्हें पता है मेरे पास मछलियाँ हैं। हाँ मुझे सब पता है, तुम्हारे पास बहुत सारी मछलियाँ हैं, जिनमें दो वैरायटी हैं। एक तो है गोल्ड फिश और दूसरी है गप्पी मछली। वैसे गोल्ड फिश तो तुम्हारे पास दो ही है, लेकिन गप्पी मछली तुम्हारे पास ढेर सारी है, मतलब 100 से भी ज्यादा है। वैसे तुम अपनी मछलियों को तीन अलग अलग पात्रों में रखते हो, जिनमें एक में गोल्ड फिश रहती है और बाकी दो पात्रों में गप्पी मछलियाँ रहती है, जिनमें एक में इससे भी ज्यादा गप्पी मछलियाँ रहती है और दूसरे में ज्यादातर छोटे बच्चे हैं और कुछ बड़े मेल गप्पी फिश भी हैं, जो कि 70 से भी ज्यादा है। वैसे जिस पात्र में 30 से भी ज्यादा गप्पी मछलियाँ रहती है, उसमें जो सबसे बड़ी वाली मछली है वो उन सबकी माँ है। मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। हाँ तो तुम जिन मछलियों को जानते हो ये उन्हीं का खाना है। तुम अब इतने गिर गए, तुम अब मछलियों का खाना भी खाने लग गए। Oh no! अरे मैं ये खा नहीं रहा हूँ। तो फिर यहाँ तुम अकेले अकेले क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें ये सामने मोबाइल नजर नहीं आ रहा? कहाँ पे? अरे ये मोबाइल तुमने यहाँ क्यों टांग रखा है? अरे टांग नहीं रखा है, स्टैंड पे लगा रखा है। अरे हाँ तो क्यों लगा रखा है? अरे वो क्या है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कैमरा चालू है इसका? हाँ चालू है। दारू का शर्म आ गया। खैर इसे छोड़ो। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था इस टोया फिश फूड की। अरे पहले तो तुम ये वाला लाए थे, ये कलरवा में चेंज कैसा? अरे बड़े भैया वो ताइयो प्लस डिस्कवरी फिश फूड है और ये टोया फिश फूड है, तो फर्क क्या है उसमें? बड़े भैया इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोटिंग टाइप, अर्थात इसकी गोलियां पानी पर तैरती है। अरे तो इसकी कौन सी डूब जाती है? इसमें भी तो यहाँ पर लिखा है फ्लोटिंग टाइप। मगर ज्यादा देर बाद तो डूब जाती ना बड़े भैया। अरे तो उसके साथ क्या नाव भी है जो वो डूबेगी नहीं? नहीं बड़े भैया ऐसी बात नहीं है। तो फिर उसमें नया क्या है? बड़े भैया इसमें यहाँ पर जीपर सिस्टम दिया हुआ है ताकि ये गोलियां खराब ना हो। अरे वो सिस्टम तो इसमें भी है, इसमें नई बात क्या है? बड़े भैया ये 100 ग्राम का पैकेट है। अरे तो ये कौन सा 50 ग्राम का है, ये भी तो 100 ग्राम का ही है, इसमें नया क्या है? बड़े भैया इसमें जो गोलियां हैं, अरे हाँ पता है लाल और हरे रंग की होगी, इसमें भी तो वही है, इसमें नया क्या है? मगर बड़े भैया इसमें जो गोलियां है वो थोड़ी छोटी है, उसमें जो गोलियां वो थोड़ी बड़ी है। तो क्या तुम काट के लाए हो गोलियां? कैसी बातें कर रहे हैं बड़े भैया, अभी तो मैंने पैकेट खोला ही नहीं है। तो फिर खोलो देखते हैं। आप कैंची ले आइए बड़े भैया। तो अब बड़ा भाई काम करेगा? Oh no! मैं ही ले आता हूं। ये देखिए बड़े भैया, मैंने कहा था ना इसकी गोलियां छोटी है। वैसे हम ये वाली जो गोलियां हैं वो हमारी दो गोल्डफिश और 100 से ज्यादा गप्पी मछलियों को अगर ऐसे ही देते हैं तो वो खाती नहीं है, इसलिए हम कुछ इस तरह से उसको कूटकर उसका पाउडर बनाकर रखते हैं उनको देने के लिए। हाँ वो तो है। तो क्या ये वाली गोलियां तुम्हें लगता है कि हमारी मछलियां ऐसे ही खा लेगी? नहीं बड़े भैया इसका भी पाउडर बनाना पड़ेगा। तो फिर इसमें आखिर नया क्या है? नया पुराना कुछ नहीं बड़े भैया, मुझे ये वाला मिला तो मैं ये वाला ले आया, वरना वो वाला मिलता तो मैं वो वाला ले आता। तो फिर ठीक है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो वीडियो बना रहा था बड़े भैया। किसकी? मैं जो ये लेकर आया हूँ फिश फूड इसकी। अरे यार तुम भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। चलो वीडियो तो खत्म करनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। अरे क्या देख रहे हो, आगे तो बोलो। अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वैसे तुम्हारी बन गई वीडियो तो जाओ आटा पिसवा लो। बड़े भैया वो आटा नहीं गेहूं पिसवाया जाता है। अरे तो गेहूं ही पिसवा लो, वो पास में पड़ा है तुम्हारे कट्टा, उठा लो। जी बड़े भैया। ये वाला बड़े भैया?
अरे दिवाली नहीं मनानी, जो तुमने टिकड़ी वाली बंदूक उठा ली, तुम वो गेहूं से भरा कट्टा उठाओ और चक्की पे गेहूं पिसवाने जाओ। जी बड़े भैया। अरे उधर किधर जा रहे हो, दरवाजा तो यहाँ है, दीवार तोड़ के जाओगे क्या? ओह नो। माफी चाहूंगा बड़े भैया। ये कभी नहीं सुधरेगा।